नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित, एबीपी गंगा। आप देख रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत, बड़ी खबर के साथ करेंगे। अब से थोड़ी ही देर में वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करेंगे। आज वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के रोड शो से पहले काशी सचखंड पूरी तरीके से तैयार है, और ये जो रोड शो आज प्रधानमंत्री मोदी का होगा, ये कई मायनों में खास हो जाता है, क्योंकि काशी में सातवें चरण में चुनाव होना है। इसके लिए पूरी ताकत खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी झोंक दी है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, सौगातों का सिलसिला यहाँ पर लगातार रहा है। समय समय पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते भी रहे हैं काशी की जनता के बीच में, लेकिन जब रोड शो करेंगे तो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। अब से थोड़ी ही देर में वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री के रोड शो से पहले काशी पूरी तरीके से सजकर तैयार है। अब से दो दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी काशी पहुंचे थे, पूजा अर्चना वहां पर की थी और एक संबोधन भी हुआ था। उसके बाद अमित शाह भी पहुंचे, और लगातार न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के भी अलग अलग पार्टियों के तमाम नेता काशी में ही इस वक्त जुटे हुए हैं। काशी की सड़कों पर आज शंखनाद हो रहा है। एक ओर शंख की ध्वनि है तो वहीं दूसरी ओर आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। इस चुनाव में ये पहला रोड शो है वाराणसी में, जो उनकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज यहाँ पर एक ओर इकट्ठा हुई है इस रैली में, रोड शो में शिरकत करने के लिए। कायनात, ये बताइए आज कितना बड़ा दिन है, कैसे इकट्ठा? हमारे लिए ये इतना बड़ा दिन है कि हमारे प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं, और ये राजतिलक की तैयारी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि राजतिलक की तैयारी है, अभी तो चुनाव बाकी है? देखो, जो भगवा है भगवा ही आएगा, हमें पूरा विश्वास है मोदी जी ही आएंगे। मैं बताती हूँ, उसके पीछे आधार है, जुमला नहीं है। 5 साल काम किया है, कोई आरोप नहीं, बिल्कुल कोई करप्शन नहीं। महिलाओं के लिए जितना काम इस सरकार ने किया है, पिछले 70 साल में काम नहीं हुआ है। यूपी में विकल्प ही नहीं है मोदी जी के अलावा, बीजेपी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है। नहीं आ रही, नो नो नो, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। अखिलेश यादव की कोई औकात नहीं है, मोदी जी हाथी है, वो चींटी के बराबर है। वो बोलते हैं और बोलकर रह जाते हैं, और हम करते हैं सुरक्षा मोदी जी ने दिया है, और महिलाओं का मान सम्मान भी योगी जी और मोदी जी ने दिया है। जो यूपी में गुंडागर्दी थी वो खत्म हुई है। एक बात कहना चाहते हो, तुम रच लो जितने प्रपंच, वो एक धनुर्धर आएगा, उसके तेज के आगे कोई भी ना टिक पाएगा। ऐसा क्या है योगी जी मोदी जी में जो दोबारा भरोसा है जीत का? जी, योगी जी और मोदी जी में पूरा भरोसा है, और हमें ही नहीं पूरा यूपी को, बनारस को भरोसा है। और उन्होंने जो काम किया है महिलाओं का, महिलाओं के लिए जो काम किया है, उनके जन्म से लेके उनके सुरक्षा से लेके सारे चीजों की जो बात की है, इसलिए योगी जी मोदी जी पर भरोसा है। पूरा देश क्या, पूरा दुनिया मोदी जी पर भरोसा करता था। आज सबने साड़ियां पहनी है, एक ही रंग की पहन रखी है लगभग, क्या खासियत है? भगवा धारी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी कह रही है भगवा करप्शन का रंग है, गलत चीजों का। कोई एक आरोप सिद्ध करिए करप्शन का। आपके मंत्री जेल में होते हैं, आपके मंत्री बलात्कारी होते हैं। यूपी में आज महिला सुरक्षित है तो योगी जी के कारण सुरक्षित है। साबित करके दिखाइए, तब मानेंगे हम कि हम। गाना कौन गाता है यहाँ पर, गाना कौन गाएगा आज? अयोध्या सजाती है, काशी भी सजाती है, अयोध्या सजाती है, काशी भी सजाती है। तो इस समय काशी है, लेकिन काशी के साथ जो सजा है वो है इस समय पूरी वाराणसी शहर। माहौल इस समय ये है कि एक बाद एक हर चौराहे पर इस समय समर्थकों की भीड़ है, और समर्थकों की भीड़ के साथ इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज इस बड़े शो में, रोड शो में, जिसे शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है।
तो प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले काशी किस तरीके से सजकर तैयार है, ये तस्वीरों में आपने देख लिया, कितना उत्साह है ये भी देख लिया। और अब ये देखिए कुछ और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो होगा, उसकी हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं रोड शो से पहले किस तरीके से लोगों की भीड़ एक साथ जमा है, इससे अंदाजा लगा जा सकता है जब प्रधानमंत्री मोदी जनता के बीच में पहुंचेंगे, रोड शो करेंगे, तो कितना उत्साह लोगों के बीच में होगा। कुल मिलाकर काशी पूरी तरीके से प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर, प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। हर तरफ भगवा रंग नजर आ रहा है, हाथ में भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और खुद काशी की जनता इन तस्वीरों में नजर आ रही है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना उत्साह है, कितना उमंग है प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है काशी, और ऐसे में चुनाव में ये पहला रोड शो प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किया जा रहा है, जो कि अपने आप में बेहद खास है। सातवें चरण में चुनाव होना है काशी में, उससे पहले आज प्रधानमंत्री का एक मेगा रोड शो होगा, जिसकी हर एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बहरहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं काशी किस तरीके से तैयार है प्रधानमंत्री के आगमन से पहले। इन तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, रूट डाइवर्जन किया गया है। इसके साथ साथ आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को भी देख पाएंगे, जो कि हाथ में भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे हैं। जो चौराहे हैं वो पूरी तरीके से सजकर तैयार है। एक तो देश के प्रधानमंत्री, दूसरा उनका ही अपना क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, जिसकी वजह से काशी की जनता बेहद उत्साहित है और वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा भी जा सकता है। वाराणसी का सियासी समीकरण बेहद अलग है और कहीं ना कहीं काशी की जनता का प्रधानमंत्री मोदी से लगाव भी कुछ अलग है, जो हर बार जब भी प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं नजर आता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पूर्वांचल में काशी इस बार केंद्र बना हुआ है और काशी से हर एक दिग्गज हुंकार भरता हुआ नजर भी आया है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे तो वो तस्वीरें भी देखने वाली होंगी, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से काशी में जनता पूरी तरीके से तैयार है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक तैयार हैं, पूरी काशी सज चुकी है प्रधानमंत्री के इस रोड शो से पहले। चौराहों की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हर तरफ आपको सज्जा नजर आएगी, सजावट नजर आएगी, और अब इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का जब उनका रोड शो होगा। इस चुनाव में प्रधानमंत्री का ये पहला रोड शो है जो कि आखिरी चरण में होने जा रहा है और खुद उनके संसदीय क्षेत्र से ही होगा। तो काशी में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे क्या कुछ कहते हैं, वो हर एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और हर एक बात काशी से कही हुई बेहद खास भी होगी। इससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी काशी पहुंचे थे तो उस दौरान अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए भी नजर आए थे और साथ ही साथ उन्होंने उस बयान का जवाब भी दिया था जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ था। आज जब रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नजर आएंगे तो देखना होगा क्या कुछ कहते हैं, कैसी तस्वीरें होंगी। बहरहाल ये रोड शो से पहले की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जगह जगह पर आप देखेंगे दूर से ही प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग अपनी छतों पर हैं, कुछ तैयारियों में जुटे हुए हैं। और अब देखिए दूसरी तस्वीर आपको जो दिखा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तस्वीरें हैं, किस तरीके से नाचते हुए गाते हुए हाथ में झंडे लेकर भारतीय जनता पार्टी की टोपी पहनकर लोग नजर आ रहे हैं। तो पूरी तरीके से काशी सजकर तैयार हो चुकी है, इंतजार है प्रधानमंत्री के रोड शो का। हर एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, दो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री के रोड शो से पहले की तस्वीरें हैं, किस तरीके से काशी सज धज कर तैयार है और कैसे काशी की जनता प्रधानमंत्री का इंतजार कर रही है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अपने घरों की छतों पर भी लोग नजर आ रहे हैं, चौराहों पर भी लोग नजर आ रहे हैं, रूट डाइवर्जन किया गया, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर देखिए पहली तस्वीर में आप देख पाएंगे। और नीतीश भी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ बनारस से हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, अब से कितना समय और प्रधानमंत्री के रोड शो को शुरू होने में? लगभग 45 मिनट का समय बताया जा रहा है और 3 बजे से ये रोड शो शुरू हो जाएगा। और आप देखें यहाँ पर जो जनता है वो उत्साह से लबरेज यहाँ पर हुई है, तो रोड शो में शामिल होने पहुंचे हुए हैं, पूरी तरह से भगवा रंग में रंग के पहुंच गए। प्रधानमंत्री के साथ साथ चलने गए। अच्छा, प्रधानमंत्री जब आते हैं रोड शो करते हैं तो पूरी काशी उमड़ जाती है, इस बार तैयारी कैसी? उससे भी अधिक है। कैसा जोश? जोश तो एकदम शांत पड़ा दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं, एकदम देख नहीं रहे
एकदम कार्यकर्ता जोश से लबरेज है, जोश है। हालांकि हमने इन्हें जगाने का प्रयास किया, सुरक्षा कर्मी जो है वो इनसे शांत रहने की अपील कर रहे हैं। गुस्सा हमें है और चारों तरफ कमल ही कमल है। मोदी जी के आने के बाद और उत्साह बढ़ आएगा। उनको देखने के लोग 11 बजे से यहाँ खड़े हैं, मतलब 11 बजे से मजमा एकदम पूरी तरह लगा, यहाँ से लंका तक जमा हुआ है। अच्छा, जो भीड़ है, प्रधानमंत्री जब कहे कि इस रास्ते से गुजरेंगे तो स्वागत कैसे करेंगे? स्वागत तो हर हर महादेव के साथ करेंगे, उनके पीछे पीछे चलेंगे, पीछे पीछे चलेंगे। और स्वागत करेंगे, कुछ युवा भी हैं, युवा है यहाँ पर। आप बताइए कैसे स्वागत की तैयारी है? बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी इतनी जो भीड़ उमड़ी है यहाँ पे, यही सबसे बड़ा इनका स्वागत है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक हिंदू है या मुसलमान है, हर कास्ट के लोग यहाँ पे। ये सरदार पटेल नितेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर की वजह से बार बार संपर्क उनसे टूट रहा है, लेकिन लोगों से बात कर रहे हैं और उस बातचीत में आप काशी की जनता के उत्साह को भी महसूस कर सकते हैं। देखिए, अब ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, हाथों में झंडे लिए हुए हैं और इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का कर रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं भी नजर आ रही हैं। नितेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेश, बातचीत कीजिए और जरा जानिए कितना उत्साह प्रधानमंत्री के आगमन से पहले। नारों की आवाज आप सुन रही होंगी और जिस तरह से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, ये महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं, तो आप लोग भी सड़क पे आज उतरी हुई हैं प्रधानमंत्री का स्वागत के लिए। जी जी, हम प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए हम सारा मजमा खड़ा हुआ है और ये सांसद एरिया है उनका, वो प्रधानमंत्री ने यहाँ अपना घर समझ के वो यहाँ पर आ रहे हैं बनारस में। 3 विधानसभाओं को आज ये रोड शो छुएगा, उत्साह कितना और महिलाएं किस तरह से स्वागत? आप दिखाई दे रहा है, आपको चारों तरफ भगवा ही भगवा हो रहा है। हमारी बहन है जी, इतने उत्साह के साथ आई हुई है, वो आपको चारों तरफ दिखाई दे रही है। देखिए, मैं एक बात कहूंगी, इतना क्राउड है, हम महिलाएं सुरक्षित है जिस भीड़ में, ये योगी जी की देन है। सड़क पर आज महिला सुरक्षा का मुद्दा भी होगा, आप बताइए किस तरह से, और शंखनाद हाथों में शंख लेके भी आई हुई है, तो क्या शंखनाद करते हुए चलेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि आज हमारे मोदी जी वाराणसी में आ रहे हैं चुनाव का बिगुल बजाने के लिए, तो महिलाएं इतनी उत्साहित हैं कि सुबह 12 बजे से हम लोग देख रहे हैं, इतनी धूप है, घर द्वार सब ले छोड़ के अपने मोदी जी के, अपने प्रधानमंत्री के दर्शन के रैली के लिए शंखनाद है, फोन सॉरी फूल है, काशी में जिस तरह से स्वागत होता है, हम महिलाएं उस तरह से स्वागत करने के लिए खड़े हैं। आपके तो हाथों में भी फूल है, इच्छा क्या है प्रधानमंत्री? कोशिश तो यही है। और ये देखिए कार्यकर्ता, ये शंखनाद करके प्रधानमंत्री को यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो उनको स्वागत का एहसास कराने का काशी का अंदाज है। कहते हैं कि घंटा घड़ियाल का ये शहर है, यहाँ शंखनाद होता है, यहाँ डमरू वादन होता है और आज महादेव की नगरी में जय श्री राम के नारे गूंजते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो मलदैया की सड़क हो या फिर जो चौरा भीर का चौराहा हो या फिर बाबा विश्वनाथ के धाम की ओर जाने वाला रास्ता हो, हर ओर आपको ये जोश दिखाई दे रहा है। काशी में याद रचने जा रहा भाई, ये बहुत योगदान मिलने जा रहा है काशी वाले। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे सांसद का हम लोग यहाँ पे स्वागत करने के लिए खड़े हैं। हम लोग इस यही कहेंगे कि जो लोग राम को लाए हैं वो उसको हम लाएंगे, इतिहास से लाएंगे और हम लोग अपना पहली बार मत देखिए प्रधान यहाँ की बनारस में सभी प्रत्याशी कैसे आएंगे। तो उत्साहित कार्यकर्ता देखे, कार्यकर्ताओं को यहाँ पर सुरक्षित करने के लिए और सुरक्षा के लिहाज से अब यहाँ पर रस्सियाँ लगाई जा रही है। देवानंद जी, आप भी डटे हुए हैं कार्यकर्ताओं के बीच में। बनारस का मोदी जी के रोड शो में यहाँ से शुरू होने वाला है पटेल जी की प्रतिमा से, और अभूतपूर्व हो गया। हिंदुस्तान में अब तक के जितने भी रोड शो हुए होंगे आज सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। भारतीय पर आज पूरी बनारस की जनता जी, लोग तो कह रहे हैं कि आज अखिलेश यादव भी रोड शो करेंगे तो भारी भी पड़ेगा क्या ये रोड शो? अखिलेश यादव का तो कल आखिरी दिन आ ही गया, कल वो मनकनका घाट होके चले गए, कि यहाँ पे लोग आखिरी समय में आते हैं वो पहले ही होके चले गए, जवाब भी देंगे क्या लो? वो अखिलेश यादव जिस उत्साह से आपको बनारस दिख रहा है, सारी 403 सुरक्षा के लिए सारी 403 सीट उसी उत्साह से लड़ी जा रही है। किसी
मैंडेट में भाजपा पीछे नहीं रही है, इस बार जीत का इतिहास बन रहा है। जो 5 साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के काम ने करके दिखाया, मोदी जी जिस स्पीड से काम करते थे, मोदी जी के काम को योगी जी ने 10 गुना आगे बढ़ा दिया है। तो पूरी तरह से उत्साह काशी की सड़कों को दिखाई दे रहा है, लोग हाथों में झंडे लेकर, अगर कहें तो सिर पर टोपियां लगाकर, हाथों में मोबाइल लेकर, फूल लेकर, हर तरफ स्वागत करने के लिए तैयार आपको दिखाई देंगे। जबरदस्त मजमा आप देखें, चारों तरफ यहां कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था और घेरा, और ये जनता, उत्साहित जनता, ये देखें, ये रस्सियां लगाई गई है इन्हें यहां पर व्यवस्थित करने के लिए, और जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। जय श्री राम। आप देखिए, ये जो कार्यकर्ता हैं, ये ऊपर खड़े हैं और झंडे लहरा रहे हैं, तो झंडे लहरा कर बिल्कुल नीतीश लौटेंगे आपके पास, और ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। वाराणसी से ही हमारी सहयोगी प्राची पाराशर भी हमारे साथ जुड़ गई है, उनका रुख कर लेते हैं। प्राची, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, और प्रधानमंत्री के रोड शो से पहले कैसा नजारा वहां पर? बिल्कुल गुंजन, देखिए आप देख सकती हैं, इस वक्त मैं कैंट एरिया में मौजूद हूं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो यहां से नहीं गुजरेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आज पूरी काशी का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए, गाने बजाए जा रहे हैं, डीजे बजाया जा रहा है, और इसके साथ ही साथ हाथों में झंडे लेकर जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों से गुजर रहे हैं, जमकर नारेबाजी की जा रही है। जो रोड है वो जगह जगह से जाम है गुंजन, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है। आइए हम सीधा कार्यकर्ताओं से ही बात कर लेते हैं कि कितना उत्साह उनमें है। नाम बताइए। अरुणा रावल। हाँ, कितना उत्साहित है पीएम आ रहे हैं? बहुत बहुत उत्साहित, बस ये लगता है कि हमारे भगवान आ रहे हैं। आप बताइए। विक्की जायसवाल। हम जा रहे हैं, मोदी जी हमेशा आए और हर बार आए, 22 में 27 में आए, 31 में भी आए मोदी जी। आपको क्या लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारा सबसे बड़ा ये बात है कि ये सरकार हमेशा रहे और देश की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करती रहे, जिसमें युवाओं को, बच्चों को, बड़े को, बुजुर्ग को हर सुविधा मिलती रहे। देखिए, यहाँ पर एक बुजुर्ग भी है, उनके हाथ में झंडे आप देख सकते हैं, और झंडे ऊंचे ऊंचे किए जा रहे हैं, जमकर नारेबाजी की जा रही है। आप अपना नाम बताइए। माता की जय। नाम बताइए अपना। संगीता बदलिया। क्या आज कितना उत्साहित है आप, क्या कार्यक्रम है आप? उत्साह, हमें ऐसा लग रहा है मोदी सर जल्दी से आए, हम सुबह से तैयार हैं। किस तरीके का उत्साह है काशी की जनता में, काशी में मौजूद कार्यकर्ताओं में, और साथ ही साथ वहाँ मौजूद महिलाओं में, वो साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं। बने रहिए प्राची आप हमारे साथ, नीतीश आप भी हमारे साथ बने रहिए।